हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ दो ऐसे मेथड जिससे आप घर पे ही ऐसे पीतल के बर्तनों को सीजनिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले मेथड हम ट्राई करेंगे फर्स्ट बर्तन में और दूसरा वाला मेथड हम ट्राई करेंगे दूसरे वाले बर्तन में। मेरे सीजनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको दोनों भी बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ डिश वॉशिंग लिक्विड। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये स्पॉन्ज ले लिया है। ये स्पॉन्ज सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड स्पॉन्ज से इसको स्क्रैचेस हो सकते हैं। आप यहाँ पे कौन सा भी सॉफ्ट स्पॉन्ज यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे धीरे धीरे क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। आप इसके एजेस को भी क्लीन करना ना भूलना और इसी तरीके से आपको दूसरे बर्तन को भी ये क्लीन कर लेना है। दोनों बर्तन अच्छे से वॉश हो जाने के बाद हमें एक टॉवल लेना है और टॉवल के हेल्प से हमें इसको ड्राई कर लेना है। सीजनिंग के लिए मैं यहाँ पे पहले मेथड का यूज़ कर रही हूँ। उसके लिए मैंने गैस ऑन करके बर्तन रख दिया है और उसमें मैं अब डालने वाली हूँ ड्राई कोकोनट को। ड्राई कोकोनट अवेलेबल हो तो वो यूज़ कर सकते हो, अगर ये फ्रेश कोकोनट है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हमें इसके एजेस को भी लगा देना है ताकि एजेस भी अच्छे से सीजनिंग हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुक राइस जो हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हमें इसमें ऐड करना है पानी, खूब सारा पानी ऐड कर देना है ताकि ये फुल भर जाए। यहाँ पे हमें इसको अच्छे से उबाल लेना है। कम से कम आपको 15 मिनट इसको उबाल लेना है। अच्छे से उबल आ जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। 15 मिनट के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। दूसरे मेथड के लिए आपको चाहिए राइस। पहले आपको राइस को उबाल लेना है और उबाला हुआ जो पानी है हम सेपरेट कर लेंगे। ये सेपरेट किया हुआ पानी हम बर्तन में डालेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा पानी भी डाल देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने बर्तन को पूरे पानी से भर दिया है। अभी हमें इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए चलाते रहना है और उबल आने देना है। यहाँ पे मेरे 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने गैस ऑफ कर दिया है। यहाँ पे आप अच्छे से मिक्स कर लो और इसको ठंडा होने के लिए रख दो। दोनों भी बर्तन ठंडे हो जाए तब हमें इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के पहले हमें राइस वाला जो पानी है मैंने स्टेन कर लिया है और उसके बाद मैंने बर्तन धोना चालू कर दिया है। अच्छे से वॉश हो जाने के बाद यहाँ पे हमें एक कपड़े से इसको ड्राई कर लूँगी। लास्ट वाला स्टेप आपको हमेशा करना है जब भी आप ये बर्तन यूज़ करें। उसके लिए आपको लेना है एक पेपर टॉवल, उसमें डालना है कोकोनट ऑयल और उसको अच्छे से पोंछ लेना है। ऐसे करने से बर्तनों को हमेशा चमक रहेगी और उसको रस्ट भी नहीं लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पे मेरे बर्तन एकदम चमकने लगे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी सीजनिंग करना है। ये थे मेरे दो मेथड और इसी तरीके से आपको सारे बर्तनों का सीजनिंग करते रहना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।